जैन साथियों, मेरे साथ में है फाइनल चयनित जवान हरमन। तो हरमन, आपका फाइनल चयन होने की आपको बधाई। थैंक यू सर। पहले अपना सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिए हरमन, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम हरमन सिंह, पिता जी का नाम बलजीत सिंह, मैं पिंड राइया वाली हनुमानगढ़ का रहने वाला। तो हरमन, आपने अकेडमी कब ज्वाइन की, कैसे यहाँ पधारे, लंबी अपनी जो सिलेक्शन की प्रोसेस है वो कैसी रही, थोड़ा उसके बारे में बताएं। मैं 2021 आया सीगा इत्थे, बीकानेर वाली खुली भर्ती देखी, उदो मेरा सिलेक्शन नहीं होया क्योंकि तैयारी घट हुई। उस बाद मैं दोबारे आया, दोबारे आके लंबी तैयारी करी, लंबी तैयारी करके पेपर पास हो गया। पेपर पास होए बाद दौड़ की तैयारी करी, दौड़ तैयारी सर को करी सी। कई ने मैनू कहा लास्ट का जो एक महीना रह गया उदो तैयारी करांगे, पर मैं सर ने जिमें कहा उवें ही चलिया, तो करके दौड़ भी पास होगी, कुट कुट भी खाधी पर सिलेक्शन मिल गया। वह मैं तो यही गल कहनी चाहना भी जिन्हें भी तैयारी करनी लंबी तैयारी करे। तो जैसे आपने सबसे हार्ड मूवमेंट आपके लिए कौन सा रहा, पेपर रहा या दौड़ रही? दोनों कुछ अपने वास्ते तो हार्ड ही सी हर वैसे तो, पर पेपर थोड़ा ज़्यादा औखा सीगा। तो दोस्तों, हरमन ने वो पहले 2021 में आके यहाँ कुछ टाइम लगाया, फिर बीकानेर भर्ती आ गई एकदम, तो इसकी दौड़ पास हुई। दोबारा आने का विचार कैसे बना, भी मैं दोबारा चलता हूँ लंबे टाइम बाद? और जो तो नाल दिल सारे जन लग गए, नाल दे साथी सी 2021 वो लग गए, जो फिर अपन भी आए भाई, आप भी लग गए, अगर बाद दोबारे आए। एक आप नहीं लगे थे तब और एक लगे हैं अब क्या परिवर्तन आया रिश्तेदारी में, गांव में क्या माहौल? सारे पास भाई पूरा माहौल है, चारे पास ही होता फौजी फौजी। तो हरमन ने सेवा भी बहुत की, ग्राउंड में भी की, पर्सनली मेरे साथ जैसे गग्गर का पानी आया तो आप काफ़ी दिन खेत में मेरी हेल्प की, तो उसका भी मैं यही चाहता हूँ, आपको मेरी तरफ से एक आशीर्वाद ही है कि आप और आगे बढ़ो। थैंक यू सर। जो लड़के तैयारी करें उनको क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही गल कहनी चाहना भाई, जिन्हें भी तैयारी करनी है तो एक तो ऑनलाइन च ना करे, ऑनलाइन च क्यों पेपर नहीं होंगे, जो पेपर ना देंगे तो फिर पास नहीं होंगे गा। तो बाकी दूजी गल भी लंबी तैयारी करो, तो जैसे हरमन ने बताया कि ऑनलाइन आप कोर्स तो करो लेकिन पेपर की प्रैक्टिस भी जरूर करो। हाँ। अगर ऑनलाइन करते हो तो उसमें पेपर नहीं होते, पेपर नहीं होते, एक उसमें वही चीज़ें पढ़ाई जाती जिससे बंदा बोर ना हो। हाँ। तो दोस्तों, ये थे हरमन सिद्धू और इनका फाइनल चयन हो गया है। तो मेरी ओर से हरमन को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।